गंगा भी तैयार हो गई है, तो ठीक है आराम से जा रहे, ठीक है आराम से रहना भाई। यहाँ पर ना गंगा की इतनी सारी दो और यमुना ना स्कूल से आ गई और कुर्सी के ऊपर आराम से सो रही है अभी। दोस्तों यहाँ पर देखो कितनी मात्रा में हिस्सूर हो रखी है, और इस यमुना यहाँ पर गोबर भरने लग गई है और मैं ले भर रही, मैं नहीं ले जा रही। मॉर्निंग दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे नाम है ज्योति का नोटियाल, मेरे ब्लॉग का नाम है ज्योति के नोटियाल ब्लॉग्स। अभी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह की 8 बजे से। स्वागत करती हूँ आप लोगों का कमत गांव से, जो कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में पड़ता है। मौसम की बात करें तो आज ना सुबह से तो लगातार बारिश हो रही थी, और अभी ना हल्की हल्की धूप आने लग गई है, और आसमान पे देखो कितने ज्यादा बादल आ रखे हैं, और कहीं कहीं पे ना आसमान साफ होने लग गया है, और यहाँ पर ना सूर्य देव ने भी दर्शन दे दिया है। अभी ना सूर्य देव फिर से बादलों के बीचों में छुप गए हैं, थोड़ी दर्शन दिए और फिर से बादलों में छुप गए हैं, और यहाँ देखो फिर से आसमान में बादल ही बादल लग रहे हैं। दोस्तों सुबह से ना बारिश लगातार हो रही है, लेकिन अभी ना बारिश रुक गई है, तो होती भी है बारिश की नहीं होती है, क्योंकि सूर्यदेव दर्शन दे रहे फिर से बादल में छुप रहे हैं, और मानव पुराने वाले घर पर चली गई है, और अभी मेरी गंगा बहन भी नई वाले घर पर आ गई है। कल से हमको तो पुराने वाले घर पर चली गई थी दादा और दादी जी के साथ, और यमुना और कन्हैया ना स्कूल चले गए हैं, तो गंगा ना आज कैंप में जा रही है, यानी कि डुंडा डुंडा ना हमारा ब्लॉक है, तो वही जा रही है कैंप में, NCC के कैंप में। जिस टाइम ना मैं 11th क्लास में थी तो मेरी भी ना NCC थी, तो हमारा कैंप ना स्कूल में लगा था, और इस बार का कैंप ना डुंडा लग रहा है ब्लॉक में। यहाँ पर ना गंगा भी आ गई है, गंगा ना तैयार होने लग गई है, ना गंगा भी तैयार हो गई है, तो ठीक है आराम से जा रहे, ठीक है आराम से रहना भाई, ठीक है। तो यहाँ पर ना गंगा ने एक बिस्तर भी कर रखा इस कट्टे में पैकिंग, तो मैं भी ना इसको छोड़ने जाती हूँ सड़क तक। यहाँ पर ना गंगा की इतनी सारी दोस्त आ रखी है, तो ठीक है सभी लोग आराम से रहना उधर, ठीक है। और इन सभी लोगों ने यहाँ पर इतना ज्यादा सामान ला रखा है, और कुछ लड़के हैं ना इधर साइड भी है, इन सभी लोगों ने भी अपने पास ना अपना सामान ला रखा है। तो वहाँ पर ना जितनी भी स्कूल की लड़कियाँ हैं उनको लेने के लिए ना अभी आगे से गाड़ी आएगी, तो तब तक ना वहाँ पर वो गाड़ी का इंतजार करेंगे। और गंगा मेरे से कह रही थी कि सबसे पहले ना लड़की वालों का कैंप लग रहा है, उसके बाद ना लड़कों के लगेंगे, और 10 दिन का कैंप है, तो अब ना 10 यानी कि 10 दिन ना गंगा डुंडा में रहेगी, और 11वें दिन ना घर आएगी। दोस्तों हम सभी लोगों ने नाश्ता भी कर दिया है, और अभी ना धूप भी खिल के आ गई है, और अभी जा रही हूँ हथौड़े के लिए। दोस्तों मैंने इधर साइड से हथौड़ा भी ला दिया है, और हथौड़ा ना मैंने इसी कारण से लाया है क्योंकि आज ना ग्रिल वाला ग्रिल मिलाने आ रहा है, तो देखते कितनी देर में वो ग्रिल मिलाने आता है। यहाँ पर ना माँ ने ईंट भी ला दिया है, और जो साइड साइड में हमने साइड साइड में सीमेंट लगा रखी है पहले की, तो माँ ना उस सीमेंट को हथौड़े से तोड़ रही है, उसके बाद ना ईंट लगाएंगे साइड साइड में। यहाँ से और वहाँ से ना पूरा सीमेंट तोड़ दिया माँ ने, और यहाँ पर ना जो सीमेंट के टुकड़े आए हैं तो उनको ना मैं वहाँ पे रख देती हूँ। यहाँ पर ना अभी मिस्त्री आ रखा था काम करने, ना मिस्त्री खाना खाने जा रखा है, तो
बाद में आएगा 2-3 बजे के करीब, तो हमारे घर पे ना ग्रीन लग जाएगा। अभी दोपहर की 1 बज गई, यमुना भी स्कूल से आ गई। खुश रहो, कितनी पढ़ाई किया स्कूल में, गंगा की याद भी आई आज स्कूल में? नहीं आई, तेरे तो और दोस्त होगी स्कूल में। आरुषि क्या कर रहे तू? खाना खाएंगे। और यहाँ पर ना माँ खाना देने लग गई है, और कन्हैया भी यहाँ पे स्कूल से आ गया है और आराम से अभी लेट रहे हैं बिस्तर के ऊपर। और यमुना ना स्कूल से आ गई और कुर्सी के ऊपर आराम से सो रही है। अभी कपड़ों को बदल दे, उसके बाद खाना खा, ठीक है? ये तो रो रही, क्यों रो रही तो? दोस्तों यहाँ देखो, ये रो रही, क्यों रो रही तो? क्या कर पड़ी? बुखार आ रहे, इसको भी आज बुखार आ गए। रोने से काम नहीं चलता, पहले खाना खा उसके बाद दवाई खा, ठीक है? फिर जाके बुखार रह जाएगा। आजा, यहाँ पर ना मिस्त्री भी खाना खा के आ गए है, जल्दी करो हमारा काम, ठीक है? दोस्तों यहाँ पर ना हमारा ग्रिल भी लग गया है, और इधर साइड से ना अभी दरवाजा लगाना है, और नीचे ना ईंट की चिड़ाई करनी है। और अभी ना हमारे घर में क्या है इसका नाम, सूर्यांश, क्या हो रहा तेरा? कुछ नहीं हो रहा। दोस्तों अभी शाम की 5 बज गई है, और मेरी और यमुना की तैयारी हो रही है पुराने वाले घर पर जाने की। तो हमने सोचा कि आज ना पुराने वाले घर पर चली जाती हूँ दादा और दादी के साथ। नहीं गई यमुना, वहीं से जाएगी कल स्कूल की, यहाँ आएगी सुबह, यहाँ आएगी। अभी क्यों खा रहे तुम आड़ू? अभी तो कच्चे पूरे, पके नहीं हुए, अभी कच्चे है पूरे। इतनी छोटी और इतने बड़े पेड़ के ऊपर चढ़े हैं, नीचे मत गिरना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ना एक गाय धान का बीज चल रही है, इसने ना पूरा धान का बीज लोगों को बर्बाद कर दिया है। ये हमने भगाना उसको वहां से। यहाँ पर देखो, गंगा की दोस्त ही सुर खा रही है नदी के किनारे में, और साथ में ना इसने गाय भी ला रखी है अपने चराने। क्या कर रही तू? इधर खा रहे, हम को नहीं दे रहे, हम तो इधर खाएंगे दूसरे रास्ते में। उस पेड़ पे कम ही सुर है, उसमें बहुत कम है। धीरे धीरे ना आपकी गोट भी होने लग गई है, और अभी ना ये कच्ची है। और देखो रास्तों रास्तों में कितनी झाड़ी हो रखी है किनगोट की, और उधर साइड ना एक सूर का पेड़ भी है। अभी ना हमने चढ़ाई पूरी कर दी है, और जो ना हमारे गांव में रोड जा रही है ये ना अभी पूरी कच्ची है, तो अभी ना हम रोड में पहुंच गए हैं, और वहां तक ना काफी ज्यादा चढ़ाई वाला रास्ता है। ये ना कितनी ज्यादा थकान लगी तेरे को? थोड़ा भी नहीं लगी। यहाँ पर देखो कितनी ज्यादा हिसूर हो रखी है। दोस्तों आप हमारे इधर हिसूर खाने आ जाओ, बहुत मीठी हो रही, क्योंकि आजकल ने पूरी पक गई है, तो इसी कारण से ज्यादा मीठी हो रही।
दोस्तों यहाँ पर देखो कितनी मात्रा में हिसूर हो रखी है, और हिसूर तो ज्यादा हो रखी है इस पेड़ पे, वो पत्ते ना कम दिखाई दे रहे हैं, और ये हमने भी लगी हुई है इस पेड़ पे भी हिसूर खाने में। पूरी हिसूर मत खाना, लोगों के लिए भी बचा के रखना ठीक है। यमुना यहाँ पर गोबर भरने लग गई है, और मेरे लिए भर रही, मैं नहीं ले जा रही, तो ये ले जाएगा अकेले ठीक है। वाह, क्या हुआ, ना क्यों लगा रही, चल कोई बात नहीं मजाक कर रही ठीक है, मेरे को तेरी दया आ रही, थोड़ा बाहर दे मेरे लिए है। दोस्तों हमने इस खेत में गोबर भी ला दिया है, और इतनी ज़्यादा थकान लग गई है, क्योंकि ससुराल में ना हमारा गोबर काफ़ी ज़्यादा हल्का होता है, क्योंकि वो गाय का गोबर है, और मायके में ना हमारा भैंस का गोबर बहुत ज़्यादा भारी होता है, कमर में दर्द होने लग गए हैं एक ही कंडी लाने में। तो आज की वीडियो को मैं पे क्लोज करती हूँ, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने परिवार से व्यस्त रहे। जय हिंद, जय देव, भूमि उत्तराखंड, बाय बाय।